तिल्दा में भगवान शिव की कथा को लेकर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार प्रदीप मिश्रा का सानिध्य छत्तीसगढ़ वासियों को प्राप्त होगा। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। आइए चलते हैं और आयोजकों से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है। हमारे बीच हैं घनश्याम अग्रवाल जी, जो मुख्य आयोजन करता है। अग्रवाल जी, क्या तैयारी है? सर्वप्रथम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ के वासी को जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। 1 अगस्त से 7 अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कांवड़ शिव महापुराण कथा होने जा रही है। इस हेतु तिल्दा नेवरा में पिछले 15 दिनों से हमारे द्वारा तैयारी की जा रही है। वैसे तो 1.5 महीने पहले से हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन पंडाल का जो कार्य 15 दिनों से चल रहा है, यहाँ पे वाटर प्रूफ पूरा पंडाल बनाया जा रहा है, ताकि बारिश में किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ बैठने में ना हो। करीब करीब 2.5 लाख स्क्वायर फुट का हम लोग का वाटर प्रूफ पंडाल यहाँ पे बनाया जा रहा है। और भंडारे वगैरह की क्या व्यवस्था है? बाहर से आने वाले, नगर में रहने वाले जितने भी श्रद्धालु पंडाल में कथा सुनने के लिए आएंगे, उनके लिए अलग अलग महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। गांधी राइस मिल में भंडारे की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। श्याम राइस मिल जो बिल्कुल उसके सामने में, वहाँ पे पुरुषों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। हमारा यह प्रयास है कि जितने भी ज़्यादा लोगों को हम प्रसाद दे सकें, उतने लोगों को हम प्रसाद वितरण करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था का क्या है? ट्रैफिक व्यवस्था पार्किंग के लिए सबसे बड़ी पार्किंग हमने कोका को बनाया है। बिलाड़ी से आने वाले और कोटा से आने वाले, बलौदा बाजार से आने वाले सारे लोग कोका में पार्किंग करेंगे, और सिनोदा की तरफ, हदबंद तरफ से आने वाले सिनोदा में पार्किंग करेंगे। हमारे साथ हैं सूरज नारायण उर्फ बैजू शर्मा जी। यहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था यहाँ पर समिति द्वारा की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, और हमारे बीच है शिव महापुराण कथा के प्रमुख प्रवक्ता रमेश रिंकू अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या व्यवस्था है? जेवर पहन करना है। ये बात बता दूँ कि कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि पैसे लेकर यहाँ पर जगह उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले और पहले जगह पाव वाली स्थिति है, पूरी और पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था है। मतलब पास की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे रहेगी? पास की ओपन खुला, ये खुला पंडाल है पूरा, और यहाँ पर जो पहले आएगा उसको पहले बैठने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर पास का कोई पैसे वैसे वाली जो भी बात है, पूरी अफवाह है, और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाएगा। पूरा खुला स्पेस रहेगा, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यहाँ पे लोगों को, श्रद्धालुओं को सीट मिलेगी, आपका कहना जी।